जब भी भोजपुरी फिल्मों की होती है तो कई कलाकार याद आते हैं जिन्होंने अपनी एक्टिंग के दम पर भोजपुरी इंडस्ट्री में कई हिट फिल्में दी हैं, लेकिन निरहुआ यानी कि दिनेश लाल यादव के बिना भोजपुरी इंडस्ट्री की फिल्मों की बातें भी अधूरी लगती है। जी हाँ, इंडस्ट्री में निरहुआ का काफी जलवा है। उनकी फैन फॉलोइंग इतनी है कि उनके फैंस उनकी एक झलक पाने को आतुर रहते हैं। निरहुआ जिस बड़े मुकाम पर खड़े हैं इसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत साफ देखी जा सकती है। इसी मेहनत की बदौलत आज वो एक लग्जरी लाइफ जीते हैं और करोड़ों की संपत्ति के भी मालिक हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि निरहुआ का असली नाम दिनेश लाल यादव है, हालांकि उनके फैंस उन्हें निरहुआ नाम से जानते हैं। निरहुआ मूल रूप से गाजीपुर के गांव टंडवा से हैं। वो बचपन से ही गाना गाने, नाच गाने के काफ़ी शौकीन हैं, लेकिन परिवार की आर्थिक हालत ऐसी नहीं थी कि वो कुछ कर पाएं। निरहुआ के पिता की एक महीने की कमाई महज 3500 रुपए थी, जिसमें 7 लोगों की जिम्मेदारी उन्हें उठानी पड़ती थी। वहीं पैसे कमाने के लिए पिता बड़े भाई के साथ कोलकाता चले गए और साथ में निरहुआ को भी ले गए। ऐसे में निरहुआ की शुरुआती पढ़ाई कोलकाता में ही हुई, लेकिन वो भी दिन थे जब निरहुआ को कहीं जाने के लिए पैदल ही लंबा सफ़र तय करना पड़ता था और उनके पास साइकिल तक नहीं थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि वक्त बदलते देर नहीं लगती, और निरहुआ के साथ भी ऐसा ही हुआ। आज वो काफ़ी मशहूर और पूरी तरह से संपन्न है। साल 2003 में निरहुआ का एक म्यूजिक एल्बम रिलीज हुआ जिसका नाम था निरहुआ सटल रहे। इस एल्बम के बाद निरहुआ की गाड़ी चल पड़ी क्योंकि ये एल्बम लोगों को बहुत पसंद आया। साल 2006 से उन्होंने भोजपुरी फिल्मों में धमाकेदार एंट्री की और अब तक लगभग वो 50 से ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। वहीं साल 2008 में निरहुआ के नाम पर कई फिल्में आई जिसका नाम था निरहुआ रिक्शा वाला। ये फिल्म काफ़ी सुपरहिट हुई। आपको बता दें कि निरहुआ ने साल 2019 में लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने अपनी संपत्ति की भी जानकारी दी। अपने नामांकन में निरहुआ ने बताया कि उनके पास 1.5 करोड़ रुपए की चल संपत्ति और उनके नाम पर 4.5 करोड़ की अचल संपत्ति है, यानी निरहुआ कुल 5.90 करोड़ के संपत्ति के मालिक हैं। वहीं आपको बता दें कि साल 2018-19 की अगर हम बात करें तो इस समय निरहुआ की कमाई 75 लाख रुपए थी, जो कि साल 2017 से 18 में थी 31 लाख रुपए। हर साल निरहुआ की कमाई में लगभग 4 गुना तक इजाफा हुआ है। नामांकन के मुताबिक निरहुआ के पास 50,000 कैश और उनकी पत्नी के पास 20,000 रुपए नगद हैं। निरहुआ फिल्मों के अलावा विज्ञापनों के जरिए भी अच्छी कमाई कर लेते हैं। वहीं निरहुआ के नाम निरहुआ एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड मुंबई के 50,000, रिलायंस के 50,000, वेल्टेक इंफ्रा के 50,000 रुपए के शेयर भी हैं। इसके अलावा निरहुआ को लग्जरी कारों का भी शौक है। भले ही एक समय पर उनके पास चलने के लिए साइकिल नहीं होती थी, लेकिन आज उनके पास रेंज रोवर जैसी लग्जरी कारें हैं। इसकी कीमत 42 लाख रुपए है। वहीं निरहुआ के पास 10 लाख रुपए की कीमत वाली फॉर्चुनर कार और एक पल्सर बाइक भी है। बात निरहुआ की घर की करें तो उनके पास मुंबई में 3 फ्लैट है जिनकी कीमत 3 करोड़ रुपए है। वहीं उनके पास गोरखपुर में एक फ्लैट है जिसकी कीमत 45 लाख रुपए है। यही नहीं, निरहुआ के पास 75 लाख के सोने के आभूषण और सोने एवं चांदी के सिक्के भी हैं। वहीं उनकी पत्नी के पास 6.30 लाख रुपए के आभूषण भी हैं। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट 9 भोजपुरिया से सुरभि की रिपोर्ट। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।